अब बेहद ही एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखाते हैं। 20 पैसे प्रति किलो प्याज, कहीं सुना है आपने? हम 20 रुपए प्रति किलो प्याज की बात नहीं कह रहे हैं, 20 पैसे प्रति किलो की प्याज की बात कर रहे हैं जो कि बिक रहा है। मध्य प्रदेश के नीमच में किसानों से इसी रेट पर प्याज खरीदा जा रहा है। किसान मजबूर हैं, इससे ज्यादा कीमत बिचौलिए देने को तैयार ही नहीं। बिचौलिए 20 से 30 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज किसानों से खरीद रहे हैं, लेकिन यही प्याज आम उपभोक्ताओं को 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। किसान तो प्याज के आंसू रो रहा है और बिचौलिए किसानों की मेहनत पर मौज कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नीमच की और दिल्ली की। प्रधानमंत्री मोदी ने ई मंडी योजना लॉन्च की। इससे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल के जरिए देश के करीब 600 मंडी एक दूसरे से सीधे जुड़ जाएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच की मंडियों में विकास कोसों दूर है। सबसे ज्यादा प्याज की पैदावार करने वाले किसानों को प्याज खून के आंसू रुला रहा है। नीमच की मंडी में प्याज 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस मंडी में किसान अपना प्याज सिर्फ 20 से 30 पैसे किलो के भाव से बेचने को मजबूर हैं। यानी कि किसान के हाथ आते हैं एक क्विंटल पर सिर्फ 20 से 30 रुपए। वहीं आम लोगों को ये प्याज 2000 से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदना पड़ रहा है। किसानों को प्याज बेचने के बाद इतनी रकम भी नहीं मिलती कि वो मंडी तक आने का अपना भाड़ा भी निकाल सके। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 20 से 30 पैसे में भी प्याज नहीं बिकता, लिहाजा किसान उसे मंडी में ही फेंक कर चले जाते हैं। प्याज की बहुत मंदीवाड़ी चल रही, मंडी में बिकने सकता है 50 रुपया क्विंटल से बिकने चाहते हैं। हम बैठ के बेच रहे हैं, हमारे जो फसल में प्याज में लगाए हुए कोई भी पैसे बेचे नहीं हो रहे। किसानों के पास तो हम 6 महीने तक उसकी देखभाल करते रहते हैं और फिर उसी को हम मंडी में लेके आते हैं, तो 40 पैसे 50 पैसे प्रति किलो में ये ले लेते हैं और इनके गोदामों में भर लेते हैं, फिर इन्हीं से हम खरीदते हैं तो ये हमें 25-30 रुपए किलो देते हैं। यहाँ पे लेके आते 10 रुपए किलो भी नहीं बिकते, उसके बाद भाड़ा भी महंगा पड़ रहा है और कटाने के लिए भी 200 रुपए मजदूर ले रहे, तो फिर यहाँ पे लाके क्या करेंगे, रोड़ी में डालना और अच्छा है। ये हाल सिर्फ नीमच के किसानों का नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में हर किसान का है। हर मंडी की हकीकत कुछ ऐसी ही है। किसान कौड़ियों के भाव में प्याज बेच रहा है, लेकिन वही प्याज हमें ऊंची कीमत पर मिल रहा है। यही जो प्याज है वो दरअसल इससे भी बड़ी जो ग्वालियर में मंडी है यानी कि थोक मंडी, उसमें 11 से 12 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और ये जो थोक मंडी हजीरा की यहाँ 15 रुपए प्रति किलो है, और यही प्याज जब फुटकर में जाता है तो 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। किसानों के लिए सरकार ने ई मंडी योजना लॉन्च की, लेकिन जब तक इन बिचौलियों से किसानों को राहत नहीं मिलती तब तक ये सारी योजनाएं बेमानी साबित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कभी लोगों को महंगाई के आंसू रुलाने वाला प्याज आजकल किसानों को खूब रुला रहा है। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासल गांव में प्याज का भाव 8 रुपए प्रति किलो से भी कम हो गया है। दाम इतने कम है कि किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे, इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर रुलाने लगा प्याज, कंज्यूमर नहीं किसानों पर गाज। सस्ते प्याज से किसानों को नुकसान। जी हाँ, आमतौर पर चढ़ती कीमतों के लिए बदनाम प्याज अब किसानों को सस्ता होने पर रुला रहा है। प्याज की कीमतों में जबरदस्त गिरावट से किसानों को बड़ा झटका लगा है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी महाराष्ट्र के लासल गांव में प्याज का थोक भाव 775 रुपए प्रति क्विंटल यानी 7 रुपए 75 पैसे प्रति किलो हो गया है, जबकि किसानों का दावा है कि उत्पादन लागत करीब 1000 रुपए प्रति क्विंटल यानी 10 रुपए प्रति किलो है। दूसरे शब्दों में किसानों को प्रति क्विंटल 200 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, जबकि पिछले साल अगस्त में इसी मंडी में प्याज का थोक भाव 57 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था और देश में खुदरा भाव 100 रुपए प्रति किलो था। हालांकि खुदरा भाव में प्याज अभी भी करीब 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। जानकारों के मुताबिक प्याज की नई फसल की सप्लाई बढ़ने से कीमतों में भारी गिरावट आई है। गर्मियों में फसल जल्दी खराब होती है, इसलिए किसानों के पास सस्ते भाव पर माल बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि सरकार ने दिसंबर में प्याज का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 0 कर दिया था, क्योंकि प्याज का एक्सपोर्ट बढ़े और किसानों को नुकसान न हो, लेकिन इसका कोई फायदा अब तक होता दिखाई नहीं दे रहा। किसानों ने सरकार से फिर मांग की है कि नेफेड को प्याज खरीद कर सीधे एक्सपोर्ट के निर्देश दिए जाएं, ताकि प्याज की कीमतों में
गिरावट रोकी जा सके। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया। आखिरकार किसानों को इतना नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है? बातचीत करते हैं इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र शर्मा, प्रेसिडेंट पोटैटो एंड अनियन एसोसिएशन है। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मध्य प्रदेश की हमने खबर दिखाई जहां पर किसानों को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? प्याज में घाटा इसलिए हो रहा है कि पिछले साल 2-3 साल तेज रहा, उसके कारण किसानों ने प्याज ज्यादा उगाया पूरे देश में, और इसके कारण करीबन 3-4 रुपए किलो का लागत मूल्य में भी इन्हें घाटा है और किसान का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और फसल इस साल काफी देश में अच्छी है, आगे भी खबर कोई अच्छी नहीं नजर आ रही। जो भाव चल रहे हैं, लोगों की उम्मीद है कि इससे भी कम हो सकते हैं। राजेंद्र जी, हमने मध्य प्रदेश के नीमच की खबर दिखाई, 20 पैसे प्रति किलो में प्याज किसान बेचता है और बिचौलिए उससे भी ज्यादा रकम अपने पास रखते थे। बिचौलिए की जो परेशानी है, जो आप वो कमीशन ले जाते हैं, वो भी तो बहुत बड़ी परेशानी है इसमें, उसको कैसे दूर किया जाए? नहीं, आपने क्या बताया, मध्य प्रदेश में क्या भाव है? 20 पैसे प्रति किलो प्याज बिक रहा है, किसान बेच रहा है मध्य प्रदेश के नीमच में, अभी हमने एक रिपोर्ट देखी है, और खरीदा जा रहा है, बिचौलिए ज्यादा कीमत लेते हैं इससे, इसको कैसे रोका जाए? देखिए, 20 पैसे किलो की जो भी खबर है, ये कोई प्याज सड़ा हुआ होगा, खराब होगा वो बिका होगा। जो अच्छा प्याज है दिल्ली में 10-11 रुपए किलो बिक रहा है महाराज अपना एमपी का, और वहां पर बिक रहा है 7 रुपए के अंदाज में, 7 रुपए किलो। 20 पैसे तो जिसने भी कहा है, मैं उसके बारे में ज्यादा बयान नहीं दे सकता, लेकिन ये सच नहीं है। वो कोई सड़ गया होगा, खराब हो गया होगा, फेंकने वाला होगा, वो 20 पैसे बिका होगा। वरना आज भी महाराष्ट्र की मंडियों में जो प्याज है, खेतों में प्याज है, 6-7 रुपए किलो अच्छा बिक रहा है, जो थोड़ा हल्का है वो 5 रुपए किलो बिक रहा है, इससे कम का कोई दाम नहीं है। और किसानों को जरूर नुकसान है, 3-4 रुपए किलो का लागत मूल्य में भी घाटा है। जी जी, सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी जरूर है, लेकिन राजेंद्र जी, बहुत छोटा सा आंसर आपसे लेना चाहूंगी, ई मंडी जो लॉन्च हुआ है उससे किसानों को आपको लगता है बहुत फायदा होगा? मैडम, सिस्टम में कोई परेशानी नहीं है, देश में लोगों को थोड़े सच बोलने की आदत कम हो गई है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के आदमी का बयान लिया जाता है वो अपने हिसाब से बोल देता है। अब ई मंडी से फायदा होगा क्या सर? ई मंडी से फिलहाल किसान को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ई मंडी वहां कामयाब होती है जो डेवलप कंट्रीज होते हैं, जिनके पास सैकड़ों हजारों एकड़ जगह होती है, क्वालिटी प्रोड्यूस आता है, और जो दिखाते हैं वही देते हैं। मंडियों में अगर जो सामान आता है किसान का, हिंदुस्तान में छोटा छोटा किसान है जी, और उनके जो सामान आते हैं वो ग्रेडेड नहीं होते, छोटा बड़ा अच्छा बुरा मिट्टी तक साथ होती जी, है राजेंद्र जी। तो इन चीजों को ई उस ट्रेडिंग में बेचना बड़ा मुश्किल है जी। ये ऐसी एक मंडी वहाँ पर बेंगलोर में मदर डेयरी सफर ने चलाई थी जी राजेंद्र जी। जी जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इंडिया ने ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइम सर्वे 2016 जारी किया है, और इस रिपोर्ट में सुझावों को लेकर पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर दिनेश आनंद से बात की जी मीडिया संवाददाता सिल्की सिंह ने। पीडब्ल्यूसी ने आज इकोनॉमिक क्राइम सर्वे 2016 की रिपोर्ट जारी की है, और आइए जानते हैं मिस्टर दिनेश आनंद से इस सर्वे के बारे में। सर, क्या इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है इस सर्वे की, और ऑब्जेक्टिव क्या था इस सर्वे का? इस सर्वे का ऑब्जेक्टिव था कि एज इंडिया कंटिन्यूज इट्स पाथ टुवर्ड्स बिकमिंग अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, हमको था कि हमको पता लगना चाहिए कि इंडियन कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से ऑपरेट कर पाएं। जो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हमें आई है कि जो मोर देन 30% लोगों ने बोला है कि उनको पिछले एक साल में उनने एक्सपीरियंस करा है इकोनॉमिक क्राइम। दूसरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो हमको पता लगी है कि 10 में से 1 केस एक्सीडेंट से डिटेक्ट होता है, तो इसका मतलब है कि जो असली में जितना इंसिडेंट इकोनॉमिक क्राइम का है वो ज़्यादा बड़ा है, और हमको अभी इतना पता भी नहीं है कि कितना इकोनॉमिक क्राइम असली में हो रहा है। हुनर, शोहरत और दौलत ना तो उम्र की मोहताज होती है, ना ही ऊंची डिग्री की। दुनिया में ऐसे कई शख्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल बीच में ही छोड़ दिया, और आज हम आपको कुछ ऐसे ही ड्रॉप आउट शख्सियतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, लेकिन आज दुनिया भर में उनका राज है।
पढ़ाई को लोग कामयाबी की सीढ़ी मानते हैं, कुछ तो पढ़ाई को इतना ज्यादा तवज्जो देते हैं कि जैसे पढ़ाई ही उनकी जिंदगी का आखिरी लक्ष्य हो, और अच्छी पढ़ाई नहीं की तो कामयाबी तो दूर, उनकी जिंदगी भी जहन्नुम हो जाएगी। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी कामयाबी इस मिथक को तोड़ती है कि कोई अच्छी पढ़ाई करने के बाद ही सफल शख्सियत बन सकता है। चलिए कुछ ऐसी ही दुनिया की मानी जानी शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराते हैं। यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट लेकिन दुनिया के सबसे धनी इंसान है बिल गेट्स। आज दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। कई करोड़ डॉलर तो वो चैरिटी के नाम पर दान कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेट्स ने सिर्फ 20 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया। कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद दुनिया भर में अपनी धाक जमाने वाले स्टीव जॉब्स का नाम कौन नहीं जानता। सिर्फ 19 साल की उम्र में जॉब्स ने रीड कॉलेज से पढ़ाई छोड़ दी थी। जॉब्स एप्पल इंक के को-फाउंडर थे। स्टीव जॉब्स को पायनियर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन माना जाता है। एक और शख्सियत हैं जिन्होंने सोशल वेबसाइट फेसबुक के नाम से कंपनी स्थापित की और दुनिया भर में आज उनकी तूती बोलती है। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक मार्क जकरबर्ग दुनिया के छठे सबसे बड़े बिलियनर हैं। मार्क ने भी 20 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को अलविदा कह दिया था। 2004 में मार्क ने फेसबुक लॉन्च किया। ट्विटर के को-फाउंडर इवन विलियम्स का नाम उन हस्तियों में शुमार है जिन्होंने 20 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ दी थी। आज इवान के ट्विटर पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कॉलेज ड्रॉपआउट के बावजूद अपनी कामयाबी का लोहा मनाने वालों की हस्तियों में माइकल डेल का नाम भी शुमार है। डेल ने 19 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास को अलविदा कह दिया था। डेल ने पैसों के लिए चीनी रेस्टोरेंट में बर्तन तक धोए, लेकिन 1984 में डेल लॉन्च करने के बाद माइकल ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉलेज ड्रॉपआउट के बाद शोहरत और दौलत कमाने वाली हस्तियों में वर्जिन ग्रुप के चेयरमैन रिचर्ड ब्रांसन का नाम भी टॉप पर आता है। ब्रांसन ने तो 10वीं से ही पढ़ाई छोड़ दी थी। ब्रांसन के वर्जिन ग्रुप में 400 कंपनियां हैं। कॉलेज ड्रॉपआउट करने वाले ऐसे ही एक और होनहार युवक हैं ट्रेविस कैलेनिक, जो कि उबेर टेक्नोलॉजीज के CEO हैं। ट्रेविस ने भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और 25 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को अलविदा कह दिया। जाहिर है कामयाबी के लिए पढ़ाई ना तो पहली सीढ़ी है और ना ही आखिरी। कामयाबी की पहली शर्त है हौसला और उसे पूरा करने का हुनर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।